नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत धूस पर स्थित सोन वैली इंटरनेशनल स्कूल धूस के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्कूल के डायरेक्टर संगीता गुप्ता, निर्देशक रामचंद्र प्रसाद गुप्ता, ट्रस्टी सुरेश प्रसाद गुप्ता, प्राचार्य सीमा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में मंच संचालन कशिश कपाड़िया ने किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सुंदर प्रस्तुति देकर समा बांधा। इस मौके पर छात्राओं ने बारी बारी से एकल व सामूहिक नृत्य, देशभक्ति, शिव तांडव अभिनय गीत, राजस्थानी नृत्य, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बधाई गीत की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांधा। कार्यक्रम के अंत में स्कूली छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। डायरेक्टर संगीता गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के प्रति शिक्षक और अभिभावक को संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षा से ही समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। स्कूल के ट्रस्टी सुरेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के प्रति शिक्षक और अभिभावक को संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षा व संस्कार को आत्मसात करके मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण करता है, परंतु आज के परिवेश में पक्षपात अपसंस्कृति को अपनाने से शिक्षा और संस्कार दोनों अलग हो गए हैं। आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन संस्कार का अभाव है। बिहार को पूर्व की गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने के लिए शिक्षा के साथ ही नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना होगा, तभी हम आचरणवान बन सकेंगे। मैं संजना भारती के साथ राहुल मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।